यहाँ पे मैंने आगे टेक्निकल नहीं लिखा है, मैंने आगे वाइटल नहीं लिखा, मैंने 2020 भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें जो सूट करती है, हर आदमी अपने हिसाब से शामिल कर दे, लेकिन मिशन है ये पक्का है ना। और इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का उपयोग हर कोई बिजनेस भी नहीं कर पाता, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाती है, लेकिन हम वास्तव में एक बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। और आप जानते हो कि आरसीएम दुनिया की नंबर वन कंपनी है। अच्छा, ये सवाल जब भी मैंने पूछा आज के 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले, और जब भी पूछा था सभी कहते हैं सर बिल्कुल नंबर वन कंपनी है। लेकिन वो नंबर वन कंपनी का जो एहसास है वो अगर बाहरी रूप है, और मैं चाहता हूं कि अगर ये वाकई अगर हम ऐसा सोच लें वाकई, और मैं कहता हूं कि आप जब भी मुझसे सवाल करेंगे मैं बिल्कुल खुला चैलेंज के साथ बात करूंगा, एकदम ओपन चैलेंज के साथ, मैं पूरा एकदम तथ्यों के साथ बात करूंगा कि आरसीएम के सामने दुनिया की कोई भी कंपनी टिकी नहीं सकती कभी, फिर चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनी हो, चाहे वो बहुत बड़े पुरानी कंपनियां हो, चाहे वो नेटवर्क कंपनियां हो, कोई भी हो। हाँ, लेकिन ये कि उस भविष्य को जानने के लिए हमें भविष्य के रूप में जीना पड़ेगा, हमें थोड़ा आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद के रूप में जीना पड़ेगा कि हम ऐसा कैसे करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है ना, हम एक सीढ़ियां बना रहे हैं आसमान को छूने की, तो अब पहली सीढ़ी तो कोई बहुत बड़ी हो नहीं सकती ना, पहली सीढ़ी छोटी होगी जभी तो हम सबको साथ लेके चल पाएंगे। तो ये मान के चलिए जो तरीका है ये धीरे धीरे, मैं आप अगर अपने ढंग से, आप आज आप जब भी घर जाएं अपनी डायरी पे आप नोट करिए कि 2021 में आरसीएम का रूप क्या होगा, 2022 में इसका रूप क्या होगा, 2023 में इसका रूप क्या होगा, 2024-25, यानी आप जैसे जैसे साल लिखते जाएंगे वैसे वैसे जब आप इसका एक भविष्य की जो भी कल्पना आप करेंगे, जो भी कल्पना करेंगे, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, तो जो भी कल्पना करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आज के 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद हम लोग कहां पे होंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। और क्योंकि इस तरह का बिजनेस मॉडल आज तक आपने पूरी दुनिया में कहीं देखा ही नहीं होगा जिसमें इतनी स्टेबिलिटी हो, मतलब देखो बहुत जरूरी है। आज अगर मैं कहता हूं कि मेरी डाउनलाइन में लगभग 11 लाख लोग खरीदारी करते हैं हर महीने, 11 लाख लोग, मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं जाके एक को समझा नहीं सकता कि आप ये आटा ले, ये तेल ले, ये मसाले ले, ये अच्छा है हमारा मार्केट से, मैं कंपेरिजन करके दिखा रहा हूं, संभव नहीं है। ये इतने लोग खरीदारी तभी कर सकते हैं जब उनको खुद को वो चीज समझ में आ जाए, समझाना पड़ेगा, तो वो थोड़े लोगों के लिए तो समझाने वाला फॉर्मूला काम करेगा, इतने सारे लोगों को समझाने का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वो जो जब तक नेचुरल वो व्यवस्था नहीं होगी वो काम नहीं करेगा। और एक दिन 11 लाख नहीं, हमारा लक्ष्य 11 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ लोगों का एक टारगेट में लेके चल रहा हूं कि 10 करोड़ लोग आरसीएम के प्रोडक्ट को एक दिन यूज करेंगे और कर रहे होंगे डेफिनेटली, मतलब इसमें कोई इब्बत नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है। और ये बात मैं पुख्ता एकदम इतने मजबूती से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं 20 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं। मैं अगर आज के 6 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होता, साल भर पहले किया होता और मेरे को बड़ा उत्साह होता, मैं उत्साह में बड़ी बड़ी बातें तो कर सकता था, लेकिन उन बातों में सत्यता होने के लिए जरूरी है कि मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है जिसके आधार पर मैं आज आपको बात कह रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप आरसीएम को नंबर वन मानते हैं, अगर मैं सवाल पूछूंगा तो जवाब तो आप सब यही देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब जानते हैं तो उसको आपको मानना भी पड़ेगा। और मानने का मेरा मतलब यहां पे क्या है कि आपके कार्यशैली में वो बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। 20 सालों के इस दौरान मैंने पता नहीं कितने उतार चढ़ाव देखे, मतलब असीमित, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे ऐसे मुश्किलों से हम लोग गुजरे हुए हैं कि जिसको गुजरने के लिए इस दुनिया के, शायद कहते हैं कि बड़े से बड़े महारत हासिल लोग भी अगर उस तरह की मुश्किलों को अगर सामना कर ले उनका, तो शायद वो भी ढेर हो जाए। इससे पक्का हो जाता है, इससे एकदम पक्का हो जाता है कि हम कितने मजबूत हैं, हमारा बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है कितना जबरदस्त है, कितना प्यारा है। अब बात आती है मानने की, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके जो मन में जो भी कुछ चल रहा है उसको थोड़ा बदलने की। आज का पहला दिन है, आज की हम छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस महीने में अब आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जिससे हमें आपके जो मानसिक सोच जो आपकी बनी हुई है उसको मैं बदल पाऊँ पूरी तरह से, उसके ऊपर मैं बहुत बड़ा काम भी कर रहा हूँ। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, काम करते हैं और 50,000-1,00,000 रुपए कमाते हैं और पूरी जिंदगी लगभग उनकी निकल जाती है। बिजनेस का एक छोटा सा अरसा होता है जहां पे वो 2-4 साल 5 साल काम करते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस को कोई बड़ा रूप नहीं मिल रहा है, उस वजह से वो ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाते हैं और नकारात्मकता उनके ऊपर हावी हो जाती है। कुछ लोग इस बिजनेस में 5-10 लाख भी कमाते हैं, कुछ लोग 1-2 करोड़ भी कमाते हैं, कुछ 10-20 करोड़ भी कमाते हैं, कुछ 100-200 करोड़ भी कमाते हैं और कमाएंगे, और कुछ तो असीमित मात्रा में भी आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा बनेगा जो इतनी बड़ी इनकम का मालिक भी बनेगा। और ये मैं साबित भी करूंगा। मैं आज अगर आपको डिजिटली ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं तो ये मैं जानता हूं कि ये स्लाइड डिजिटली पूरा दुनिया कोई भी देख सकती है। अब यहां पे हो सकता है कि आज ये स्लाइड कोई देख रहा होगा, कोई ना कोई मोबाइल पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहा होगा, तो मैं आज ये प्रूव भी करूंगा कि आने वाले 5 साल 10 सालों में या 20 सालों में ये फिगर आपको लाइवली आपको दिखाई भी देंगे। और इन सबके लिए हमें करना क्या है, देखो अभी मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप सिर्फ आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करो और बिजनेस कर लोगे। मेरा आज का जो पहलू है जिसपे मैं आज आपको जोर देकर बात करना चाहता हूं कि हमें उस व्यवस्था को समझना है जिससे हम ऊंचाई की इस कामयाबी को छू पाए। बात यह है वो सिस्टम क्या है, आज उसी के ऊपर मेरी थोड़ी सी चर्चा भी रहेगी। सोच आपको बड़ी बनानी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा। कभी कभी ये इतना मुश्किल काम हो जाता है कि हम बड़ा सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हम जो रोज काम कर रहे होते हैं, हमारी रोज की जो कार्यशैली होती है, जिस माहौल में हम रहते हैं, तो एकदम बड़ा कुछ हम कर पाएंगे ये सोचना हमारा मतलब थोड़ा सा ऐसा मुश्किल सा काम हो जाता है। लेकिन जब लक्ष्य छोटे होंगे तो उपलब्धि कभी बड़ी नहीं हो सकती, उसके लिए आपको बड़ा ही सोचना पड़ेगा। और वो बड़ा सोचेंगे तो फिर मुश्किलें जो होगी ना, जब भी आपके सामने कोई भी मुश्किल आएगी वो कभी आपके सामने आपको परेशान नहीं करेगी। मेरे बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग आए, लाखों लोग चले गए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा,
मेरे को कभी कोई मुश्किल की जैसे मुश्किल कभी मुझे लगी नहीं है सर। वो क्यों नहीं लगी? क्योंकि मेरा ड्रीम बड़ा है, तो ये छोटी छोटी मुश्किलें मुझे कभी कोई परेशान करती नहीं है सर। कई तरह की मुश्किलें आई जो भी कहीं मतलब सामने मेरे को कभी परेशान नहीं कर पाई। और जो भी लोग मुझे जानते हैं, जो भी लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं देखा होगा। एक चीज आप नोट करिए, कभी वो चाहे कोई भी वक्त रहा होगा, है ना। देखो मुश्किलें तो दुनिया में सबके सामने आती है, लेकिन कभी भी किसी ने मुझे उन मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी मुझे कभी परेशान नहीं देखा होगा। क्योंकि मेरा विजन बहुत क्लियर है, मैं जो भी काम करता हूँ तो डंकी की चोट पे करता हूँ, अपने खुद के भरोसे पे काम करता हूँ। हर मुश्किल से लड़ना और हर मुश्किल से निकलना मैं जानता हूँ। खेल है सारा आपके दिमाग में चल क्या रहा है इसका। देखिए हमारा जो दिमाग है उसके, हमारा जो सोच, हमारा जो माइंड के अंदर जो हम जो चीजें सोचते हैं वही घटित होती है। आने वाले वक्त में हम उसका रूपांतरण उन्हीं चीजों का करते हैं। तो हमारे जो माइंड के दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि अभी आप जो मेरी बात सुन रहे हैं आपके कॉन्शियस माइंड में जा रही है, लेकिन वो फिल्टर होके जो चीज आपको अच्छी समझ में आएगी वो एक दिन सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अगर मैं इसको बहुत मोटा मोटा बात कहूँ तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाती है जो जिसके अंदर कोई बहुत गहराई होती है ना, जिसके अंदर कोई ठहराव होता है, जो आपकी आदत बन जाती है ना, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई उसके बाद आपकी सफलता सबकॉन्शियस माइंड के उस प्रोग्रामिंग की वजह से होती है। हम लोग देखते हैं सेमिनारों में बात करते थे पहले, बड़ा एक्साइटेड है तो लोग सब कहते हैं यस एक्साइटेड है, लोग एक्साइटमेंट होते, लेकिन वो 4-6 महीने में उनका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता था क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से जवाब दे रहे होते थे। आज मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजों को आप समझ के और उसको प्रोग्राम करें ताकि आपके भविष्य के परिणाम आपके उस रूप में आए। और आज मेरा एक छोटा सा पहलू जिस पर मैं आज आपसे बातचीत भी करूंगा, लक्ष्य बड़े बनाइए। अगर आपको मान लीजिए इस महीने यानी जो दिसंबर महीने में, अभी मैं आपके सामने टारगेट की बातचीत भी करूंगा, मान लीजिए आपका एक लक्ष्य है कि इस महीने मुझे 50,000-70,000 का बिजनेस करना है, 1,15,000 का करना है, 1,70,000 का करना है, तो अगर आप 1,70 का करना और 1,70 का ही टारगेट बनाएंगे तो वो कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे, उसमें बड़ा रिस्क है। आपको करना क्या चाहिए कि लक्ष्य अगर आपका जो भी हो तो आपको टारगेट उससे ज्यादा बड़े बनाने चाहिए। मान लीजिए मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, अब मेरे पास जाने के लिए मेरे को टाइम मिला हुआ कि आपको उस डेट को शाम को 6 बजे जयपुर पहुंच जाना है, आपको आपका कोई लॉटरी निकला हुआ है या आपके कोई किसी का बहुत मेजर ऑपरेशन होने वाला है या कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करना है और उसका टाइम मुझे पता है कि 6 बजे मुझे देना है। हर हालत में अगर मैं लेट करूंगा तो मैं फिर वो मिस कर जाऊंगा या मुझे नुकसान हो जाएगा, या लॉटरी मेरी जो है वो 1 करोड़ की लॉटरी निकली हुई, मुझे लॉटरी मिलेगी नहीं अगर मैं 6 से लेट हो जाऊंगा। अब मुझे पता है कि दिल्ली से जयपुर जाने में, मान लिया मैं बाइक कार जाता हूँ, मुझे 5 घंटे लगते हैं, तो मैं 1 बजे नहीं निकलूंगा घर से कि यार 1 बजे निकलूंगा 6 बजे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें रिस्क हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि या तो मैं 1 दिन पहले ही चला जाऊंगा, अरे यार रिस्क लेनी नहीं अपने को ना, कोई टेंशन नहीं रखनी है अपने को, और या सुबह जल्दी निकल जाऊंगा और मैं टारगेट क्या रखूंगा कि 6 बजे पहुंचना, लेकिन 2 बजे पहुंचो आप आराम से, 3 घंटे 4 घंटे पहले पहुंचो, रिस्क लेनी नहीं अपने को। तो इससे क्या होगा कि मेरी वो 6 बजे तक पहुंचने की मेरी पूरी पूरी गारंटी हो जाएगी। आपको भी आज अगर इस महीने में जो भी आपको टारगेट लेना है तो वो टारगेट जितना आपको होना चाहिए उससे ज्यादा की आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आप जो भी टारगेट है उसको बहुत आराम से पूरा कर पाएंगे सर। देखिए यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको अपनी खुद की गलतियां ढूंढना शुरू करना चाहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपने पिछले महीने की क्लोजिंग बहुत अच्छी करी, आपने सितंबर की भी बढ़िया करी, अक्टूबर की भी बढ़िया करी और नवंबर की भी बढ़िया करी। अगर मैं आपको 20 साल का अगर आरसीएम का इतिहास बताऊं तो सितंबर महीना हमारा फाइनेंशियल क्लोजिंग हुआ करता था, तो उसके बाद अक्टूबर महीने में बिजनेस बहुत कम हो जाता था और इस बार हमारा कम नहीं हुआ, नवंबर में और कम हो जाता था, इस बार कम नहीं हुआ। रीजन क्या है कि अब हमारे काम करने के तरीके बदल गए हैं, अब हमारे बिजनेस में स्टेबिलिटी और आप सब लोग समझ गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने नई पीढ़ी हासिल की है, मैं उन सबको बधाई भी देना चाहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं अपनी लाइन को इस तरह से समझाऊँ आपको कि अगर नवंबर में आपने बहुत अच्छा किया है तो इसका मतलब अब आपके ऊपर इस महीने और ज्यादा अच्छा करने की जिम्मेदारी आ गई है, और अगर नवंबर में आपने अच्छा नहीं किया है तब तो जिम्मेदारी 4 गुना आ गई है ना, क्योंकि नवंबर में अच्छा नहीं किया जब तो 4 गुना आ गई। तो हर हालत में आपको दिसंबर में बहुत अच्छा करना है, और अच्छा करने का एक ही क्राइटेरिया है जो सिंपल सा है कि हम देखिए यहाँ पे मतलब मैं खुद भी जब ये मैं देखता हूँ कि मैं खुद ये कोशिश करता हूँ कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे गलती ढूंढने में, अपने आप में गलती ढूंढने में, अगर मैं ये मान लूं कि यार वो उसने ऐसा कर दिया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, लास्ट डेट में बैंक का खाता नहीं चल रहा था तो पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाया, और मेरी टीम में कई लोगों ने जो है कमिट तो बहुत किए थे लेकिन काम नहीं किया, वो ये हो गया, देखो मैं दूसरों की गलतियां ढूंढूंगा तो मैं कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा। सबने अच्छा किया बुरा किया वो कोई और है, ये आप है ना, आपका कंट्रोल आपके ऊपर है, और आपने बहुत अच्छा किया है तब भी सोचिए कि आपने क्या अच्छा नहीं किया है ना, ये बहुत जरूरी है। आप किसी और पे दोष लगाने की बजाय आप सबसे पहले ये देखो कि मेरे को अपने आप भीतर क्या बदलाव करना है। आपका कोई भी बदलाव आपकी बेहतरी के लिए होगा, आपकी अच्छाई के लिए होगा, आपको उसमें बहुत फायदा होगा, आप में सुधार होगा है ना। तो कभी भी अपने एम नहीं रखना चाहिए हमारे को, हमें अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए, और वो गलतियां ढूंढने के लिए हमारे अपने जीवन के अनुभव जो पिछले महीने तक का जो बिजनेस है वो हमारे को बहुत मदद करता है, क्योंकि कोई काम करते हैं तभी पता चलता है कि आपने क्या चीज आपसे चूक रह गई या क्या कमी रह गई है जिसको आप पूरा कर सकते हैं। ये बढ़िया मौका है ना, ये बहुत बढ़िया मौका है। मैं आप यकीन नहीं करोगे जब रात को कल क्लोजिंग होगी और कल जिन साहब से मैंने बात की थी, हमने कहा दिसंबर से लेकर मार्च का कुछ बड़ा लक्ष्य बना रहे हैं, मैं सुबह उठा मैंने सोचा क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं है ना, तो एक स्ट्रेटेजी बनाने की बात आई तो मैंने जैसे ही अपना नेट ऑन किया तो मुझे एक वर्ड दिखाई दिया मिस्टेक्स है ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई यार कि आज मैं स्ट्रेटेजी ये बना रहा हूँ कि मैं क्या गलतियां कर देता हूँ
अब एक एक करके मैं उसको एनालाइज करता हूँ, और मेरा सुबह का 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, 4 घंटा निकल गया, और मैं एक ही चीज सोच रहा कि यार मुझे अपनी गलतियां ढूंढनी है, मेरे को मेरी मिस्टेक्स क्या है। मेरे को सबसे ज्यादा फायदा इसी बात का लगा, मैंने कहा तो मुझे खजाने की चाबी मिल रही है अगर मैं अपनी गलतियां ढूंढना शुरू करता हूँ, और अगर उसको फाइंड कर लेता हूँ, उसको मैं इंप्रूव करना शुरू कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप मेरी फैमिली, आप मेरा परिवार है ना, आप मेरे वो हैं जिनके साथ मुझे जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाना है, आप वो हैं जिनके साथ मुझे बड़ी यात्राएं करनी है, आप वो हैं जिनके साथ मुझे हंसी खुशी अपने जीवन को बिताना है, आप वो जिनके साथ मुझे बहुत मस्ती मजाक करनी है, आप वो जिनके साथ हमें बहुत सारी कहानियां किससे सुनाने, आप वो जिनके आपके बेटे पोते कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे, आप हम सब लोग कहीं ना कहीं एंजॉय करें, आप बिल्कुल मेरी बहुत क्लोजेस्ट वन फैमिली है, ऐसी फैमिली है जिनके बीच में कभी टकराव नहीं होना है ना। वो कहते हैं बाप बेटे के बीच में तो फिर भी एक बार टकराव हो सकता है, भाई भाई में झगड़ा हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस में कभी आपके बीच में टकराव नहीं होना है। तो एक ऐसा परिवार, तो मैं परिवार के मुखिया होने के नाते मैं चाहता हूँ कि आज हम एक प्रण करें कि हमने यार क्या गलती की है, उस गलती को ढूंढे है ना, बिना किसी के पूछे, बिना किसी के बताए, हम उन गलती को ढूंढे और एक प्रण करें कि यार हम अपनी गलती को ठीक करेंगे, इंप्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे और बढ़िया करेंगे। तो आपको दिसंबर महीने में इसके बहुत बड़े परिणाम आपको मिलेंगे सर। अब बिजनेस ऐसा हो गया है, अब आरसे में ऐसा हो गया और ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है, जिसकी जानकारी आपको दिसंबर में तो खैर शायद उसका नहीं आएगी, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च आने वाले 2-3 महीने में और कुछ ऐसे आएगी, ऐसी कमाल की चीजें भी आने वाली है, वंडरफुल, मतलब ऐसी चीजें आने वाली है जिससे आपका बिजनेस अब ग्रोथ नहीं करेगा है ना। जैसे मान लीजिए, क्या ग्रोथ का क्राइटेरिया क्या होता है कि इस महीने बिजनेस आपका मान लिया 5 लाख का हुआ तो अगले महीने आप सोचो 5.5 लाख का, 6 लाख का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ग्रोथ वाला पैरामीटर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अब आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा है ना। ये 2021-22-23 का जो साल होगा हमारे लिए, ये बहुत गोल्डन पीरियड होगा। हम 20 साल की इस यात्रा के बाद अब बिजनेस को हम मल्टीप्लाई मोड पे ले जा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई मोड होने वाला है, ऐसी तैयारियां कंपनी की है। अब आज आप भी कई कई बार एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आप व्हाट्सएप पे डाल देते हो और आप पूरा ग्रुप पे भी मैसेज करते हो, सर आज कंपनी ने ये लॉन्च किया, कंपनी में जीरा आया। 2021 में आप ये भाषा यूज नहीं करोगे है ना, क्योंकि प्रोडक्ट एक एक नहीं आएगा, वो कैटलॉग के कैटलॉग आएंगे है ना। अब ये सीरीज आ गई है ना, अब ये ऐसे लॉन्च होंगे, 50 प्रोडक्ट आ रहे हैं, 70 प्रोडक्ट आ रहे हैं, 100 प्रोडक्ट आ रहे हैं, यही तैयारियां कंपनी की चल रही है ना। आप अगर ये बात को समझ पा रहे हैं तो ये इतनी जबरदस्त तैयारियां हैं, और इन सब चीजों के सामने मैं जब देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अगर आंखों के सामने आ गया है ना, तो मुझे लगता है कि अब इसको मैं आसम कब बता दूं है ना। फिर चाहे वो कोई क्यों ना, वो करोड़पति हो, अरबपति हो, वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और स्टार हो, वो कोई डिपार्टमेंट का हो, कोई कहीं कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि अब ये चुनाव करने का वक्त चला गया है। ये अब आरसे में ऐसा होता जा रहा है कि आने वाले वक्त में बिल्कुल सीना चौड़ा करके आप सबको खुल के बता पाओगे। और प्रोडक्ट्स की जो तैयारियां हैं, जिसको लेके बहुत सारी ट्रेनिंग भी आपको मिलने वाली इसी महीने में, दिसंबर महीने में आरसीएम के नए प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी की तरफ से रिलीज किए जा रहे हैं। आज पहला तारीख है और आज का दिन आपको, मतलब आज का दिन तो हालांकि करीब करीब निकल गया है, लेकिन अब मेरा ये कहना है कि आज के दिन के बाद अगर कल का दिन अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो आपको हर दिन क्लोजिंग बनाना जैसा काम करना चाहिए। ये ना गलती है हमारी बहुत बड़ी, जैसे मैंने अभी आपको कहा था फाइंड योर मिस्टेक्स, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती तो मुझे पता ही ना, सबूत है मेरे पास आप सबके, आप जो गलतियां कर रहे हो सबूत है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप बिल रात को 11:55 पे काटते हो। अरे साला 11:55 में कौन सी दुकान खुलती है ना। आपने, आपके पास जो अधिकार है उसका आप गलत उपयोग कर रहे हो। आपको पहले दिन बिल बनाना चाहिए है ना। देखो आप जैसा करोगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी, तो आप गलत सिखाओगे तो गलत परंपरा बढ़ती जाएगी। आप कभी काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, कभी आपको टीम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, आप कभी प्लानिंग नहीं कर पाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। आप हो सकता है आपको लगे अरे यार मैं तो अगर ये सब चीजें मुझे पहले पता चल जाती तो मेरी तो रॉयल्टी हो जाती, मेरा तो टेक्निकल हो जाता, लेकिन क्योंकि हमने आदत ही गलत बना दी। हर दिन की क्लोजिंग करना सीखो, हर एवरीडे। अब आप लोग, अब वो छोटा काम नहीं करो, एक बहुत बड़े बिजनेस के मालिक बन रहे हो आप बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हो, तो आपके लिए अब हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक मिनट की कीमत है। और अगर आपके हर एक मिनट की कीमत है, हर एक मिनट में आपके बिजनेस में फर्क आपको दिखना चाहिए। और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि कल से हमारा तरीका बिल्कुल बदल जाए, कल से आपका कंप्यूटर बोलने लगे कि यस धार धार धार, उसमें फिगर आपके आने लगे। इस महीने आपको मीटिंगों में बहुत सारी मीटिंगें मिलेगी, जिसमें जैन साहब जो है हर मंडे को एक मीटिंग करते ही हैं, क्योंकि मंडे कल हो गया था, आज पहला दिन था, इसलिए पहले दिन की मीटिंग हमारी जरूरी थी, और कल भी हमने मीटिंग की, लेकिन अगले मंडे को फिर एक मीटिंग रहेगी, उसके बीच में भी आपको हो सकता है कुछ मीटिंग मिले, लेकिन अब अगली मंडे की जो मीटिंग होगी, अब उस मीटिंग को मैं चाहता हूं कि अब उसको ना कुछ विशाल रूप दे दिया जाए है ना। दिसंबर के महीने के लिए बहुत बड़ा, तो कुछ विशेष तैयारियां हम कर रहे हैं, जहां पे इस बिजनेस के बारे में मैं वो विजुलाइजेशन करा सकूं कि आने वाले वक्त में किस दिशा में ले जा रहे हैं इस बिजनेस को, या हम लोग क्या करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को शामिल करिए, जितने ज्यादा नए लोग होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगी, क्योंकि नए लोगों को आप व्यक्तिगत रूप से समझाओगे, लोगों को बात समझ में नहीं आई। व्यक्तिगत रूप से कोई बात मैं भी बताता हूं तो लोगों को समझ में नहीं आती है। सही तरीका क्या है कि ज्यादा लोगों को मीटिंग में शामिल करिए। आप सिस्टम पे फोकस करिए, अपने आइडियाज मत लगाइए, अपना तरीका मत लगाइए, अपना जुगाड़ मत लगाइए। और आज सिस्टम को छोटा सा एक फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं, जिससे आज के उस मेरा जो टॉपिक है उसके बारे में बातचीत कर पाएंगे। देखो आपके काम करने की जो गति होती है, अगर आप पैदल चलते हैं तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एवरेज हम चल पाते हैं, साइकिल से 15 किलोमीटर, मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर, लेकिन ये हमारा एक फॉर्मेट है जहाँ पे हमारी नॉर्मल स्पीड होती है जब हम काम करते हैं। अभी आप और हम सब लोग जो काम करें कहीं ना कहीं इसी नॉर्मल स्पीड वाले क्राइटेरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास साधन अच्छा हो जाए तो हमारी स्पीड बदल जाती है ना, हमारे काम करने की स्पीड बदल जाती है। अगर कार हो तो हम 100 किलोमीटर, ट्रेन हो तो हम 120 किलोमीटर की स्पीड से चल जाते हैं। ये हमारा थोड़ा सा जो कहते हैं ना, अगर मैं कहूँ हमने हमारा काम करने का तरीके में बड़ा बदलाव किया तो ये थोड़ा फर्क आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड यही हो सकती है। देखिए मैं आपको ये बात क्यों कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत की थी अगस्त 2000 में, और 2009 में मैं डायमंड गया, यानी 9 साल लगे मुझे डायमंड जाने में,
अब 9 साल में अगर मैं डायमंड गया तो ये तब की बात है जब कंपनी नहीं थी, जिसको कंपनी को अनुभव नहीं था कि बिजनेस कैसे किया जाता है। ये तब की बात है जब कंपनी के पास प्रोडक्ट्स नहीं थे। सन 2000 2000 और 2001 में तो हम कागज की पर्चियों पे बिल बना बना के कंप्यूटर हम कोरियर से बाकायदा कंपनी के बिलवाड़ा ऑफिस में भेजा करते थे, तब जाके वहां पे वहां के कंप्यूटर पर बिल करता था। ऑनलाइन तो पूरे इंडिया में बिलिंग ही नहीं होती थी। कंपनी ने टूथपेस्ट और चाय पत्ती जैसी चीजें 2003 में लॉन्च की, 2002 में और 2003 में लॉन्च की थी, और मात्र 15 प्रोडक्ट्स हमने 2003 का साल निकाला। वॉल्यूम करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, आरसीएम का नाम सुनने के बाद कोई इमेज थी नहीं, पिकअप सेंटर कुछ थे नहीं, उसके बावजूद अगर मैंने 9 साल में डायमंड क्वालिफाई किया तो इसका मतलब ये निकलता है कि आज के अगर इस माहौल में जहां पे आपके पास इतनी बड़ी आने की आने भविष्य की तैयारियां भी है जो कि आपको पता भी चल रही है, तो इसका मतलब है आपका डायमंड तो 2-3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। अब यहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने वो सेट ही नहीं किया है तो फिर वो गलती आपकी आगे से आगे आपको परेशान करेगी। अब मैं चाहता हूँ कि स्पीड अब आपकी बदल जाए, आपकी वो दोनों पैरामीटर खत्म हो जाने चाहिए, आपकी स्पीड एरोप्लेन जैसी या सैटेलाइट की स्पीड जैसी या रॉकेट जैसी आपकी हो जानी चाहिए। और वो स्पीड कैसे बनेगी कि अभी मैं आपको थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एक सिंपल स्लाइड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप साइकिल पे सवार होकर अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आप चाहे कितनी भी तेज साइकिल चला लें, आप कार वाले का पीछा मतलब कार वाले को पीछे नहीं छोड़ सकते, और कार वाला आगे निकलेगा ही निकलेगा ये भी पक्का है, और कार वाला थकेगा नहीं। साइकिल वाला तो होगा थक जाएगा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के बाद थकान हो जाएगी, है ना, फिर वो कहेगा सर अब मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे एक दिन का आराम करना पड़ेगा, 2 दिन का आराम करना पड़ेगा। लेकिन कार वाला आप 50-100 किलोमीटर की जगह अगर 1000 किलोमीटर भी चला लेगा तो थकेगा नहीं, यानी आपकी स्पीड भी तेज होगी और आपका यात्रा भी बड़ी होगी। अब ये तरीका कैसे हो सकता है, जो ये वाइटल की जो पिने हैं, ये वाइटल की पिने बिल्कुल आप कार में बैठ के जैसे बिजनेस कर रहे हो वही वाला तरीका है। और अभी इसी वाइटल की पिन पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ जो आपके बिजनेस को 1000 गुना बढ़ा सकता है, 1000 टाइम्स, है ना। इसके ऊपर हम इस महीने में बहुत सारी मीटिंग करेंगे ताकि आप बड़े बिजनेस को समझ पाएंगे, और उसके लिए हम लोग सबका पक्का गोल भी सेट करेंगे। अब यहाँ पे आज मैं आपको जो पॉलिसी देना चाहता हूँ, और जिन साहब ने भी शायद इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा की होगी, कि 4 महीने आपके पास, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना। देखो आप 4 महीने में आदत डालो, अभी देखो डिस्प्ले वॉल पे लोगों ने काम किया, 2 महीने लोगों ने कंपनी का ऑफर एंजॉय किया और लोगों की आदत पड़ गई, बहुत अच्छी आदत पड़ गई। मेरे पास आज सुबह बड़ा एक्साइटिंग फोन आया, सुबह 10:30-11 बजे फोन आए कि सर मैंने बिल्कुल मेरा ये लेवल क्वालिफाई हो गया है, मेरे बिजनेस में नई रॉयल्टी निकली है, मेरा ये हुआ है, बस मेरी तो मार्च तक एमएल जाने की तैयारी है, और बड़ा एक्साइटमेंट वाला फोन था, और क्योंकि लोगों को बड़ा उत्साह लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक आदमी का जब उपलब्धि होती है तो उसको आगे की सब पीने दिखती है। फिर मैंने बात करते करते बधाई देते देते एक्साइटमेंट में जो भी चीजें बताते बताते पूछा मैंने, कहा वो डिस्प्ले वाल की ऑफर बंद हो गई है तो अब उससे तुम्हारे बिजनेस में कोई फर्क पड़ेगा? और नहीं सर बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी। तो ये क्या था, आदत डाल दी। देखो अच्छी आदतें बनानी चाहिए, है ना, अच्छी आदतें बनानी चाहिए। तो आदत डालनी थी, 2 महीने के लिए कंपनी ने आपको थोड़ा सा एक फार्मूला दे दिया, आपकी आदत बन गई। बात हैबिट बनाने की है, आपके डिस्प्ले वाल की जो तैयारी है वो इस महीने पिछले महीने से कई गुना ज्यादा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अब आपका ये टेंशन नहीं 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, अब आप मर्जी जो करो और मर्जी जितना करो। डिस्प्ले वाल के बहुत बेनिफिट है जिसके ऊपर हम किसी और दिन अच्छे से मीटिंग करेंगे, जो पहले करते आ रहे हैं। अब मैं कुछ विशेष तैयारी भी आपको डिस्प्ले वाल के ऊपर दूंगा। ये डिस्प्ले वाल इस दुनिया की जो मां शक्ति बनने वाला है, इस आरसीएम को मां शक्ति बनाने वाला तरीका है, और ये आपके थोड़े थोड़े तरीकों से जो आपको फायदा मिलता जाएगा, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। मैं आपको लोगों को ज्वाइन कराना थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ईजी हो जाता है, ज्वाइन कराने में आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर घर में डिस्प्ले वाल है तो आपको आसान हो जाता है। जिस एरिया में पिकअप सेंटर नहीं हो तो आपकी वो समस्या खत्म हो जाती है, उस एरिया की सप्लाई आपकी अच्छी हो जाती है, लोग बिलिंग करना सीख जाते हैं, कंप्यूटर पे बिलिंग करना सीख जाते हैं, पक्के बिल से आप बिजनेस करते हो, आपका बड़ा इंप्रेशन पड़ता है आपके अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर। तो ये डिस्प्ले वाला आपका तरीका काम करेगा। अब बात करते हैं 4 महीने की, 4 महीने में 4 लेवल आपको पार करने हैं, ये पॉलिसी है, और इस पॉलिसी पे हम लगातार इन 4 महीनों के पूरे 122 दिनों में हम आंधी तूफान की जैसे इसके ऊपर मीटिंगें करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, फंक्शन करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। वो क्या क्या होगा धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा, लेकिन जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो अब आपको आज आपको बिल्कुल एक एक व्यक्ति की प्लानिंग कर देनी है कि 4 महीने में 4 लेवल आपको पार करना है। मान लिया नवंबर में किसी व्यक्ति ने जो भी कोई क्वालिफिकेशन थी तो उसको पहला लेवल पार करना है दिसंबर महीने में। अगर नवंबर में वो व्यक्ति का बिजनेस 2000 3000 1000 या ज्वाइन किया ही था तो दिसंबर में उसका लेवल आ जाना चाहिए पहला लेवल, जो कि 5000 का लेवल है। और अगर वो दिसंबर में ही ज्वाइन कर रहा है तभी पहला लेवल आ जाना चाहिए। और अगर किसी का बिजनेस नवंबर में पहले ही से ही अगर वो दूसरे लेवल पे है या तीसरे लेवल पे है, तो आपका अगर दूसरे लेवल पे नवंबर में चल रहा था, दूसरा का मतलब हो गया पहला लेवल है 5000 का स्मार्ट लेवल, दूसरा लेवल है सुपर स्मार्ट जो कि 10000 का बिजनेस हो गया, तीसरा लेवल है बिगिनर का यानी कि 20000 का बिजनेस होता है, तो ये नवंबर में कोई बिगिनर चल रहा है तो दिसंबर में उसको जाना चाहिए स्टार्टर, जनवरी में उसको जाना चाहिए ओपनर, फरवरी में उसको जाना चाहिए ईगल, और मार्च में जाना चाहिए। ठीक है, 4 महीने में 4 लेवल। और अगर नवंबर महीने में वो किसी भी लेवल पे नहीं है तो दिसंबर में कम से कम होना चाहिए 5000, जो भी लोग हैं एक भी व्यक्ति को टारगेट नहीं दे पाएंगे, ऐसा रहेगा ही नहीं। समझाना आसान होगा, करना आसान होगा, सिंपल, लेकिन ये चीज को आपको बहुत भारी याद रखना, 4 महीने में 4 लेवल, है ना। अब इसके लिए आप जितनी चर्चा कर सकते हो, जितने डायलॉग बोल सकते हो, जितनी चीजें आप याद दिला सकते हो,
4 महीने में 4 लाख आपने कर लिए तो आपके बिजनेस में जो ग्रोथ होगी इतनी होगी कि आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले 4 साल 5 साल 3 साल में जो काम किया होगा आपका रिजल्ट आपको 4 महीने में दिखेगा। इतने बड़े रिजल्ट और सबसे बड़ी बात क्या, छोटे छोटे गोल है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। 5,000 का टारगेट किसी को लेना है, आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी भी कर सकता है, दो लोगों की जानकारी भी कर सकता है और बहुत आसानी से घर का पूरा बिजनेस करके करना, कहीं कोई प्रेशर नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं, इजीली ज्यादा करिए। सबसे पहली साइड में आपको ट्रेंड जा रहा है, ज्यादा करिए तो बहुत अच्छे बड़ा बनाने की। और ऐसे लोग भी हैं जो पहले मेरे 4 लेवल पूरा करेंगे, ऐसे लोग भी पहले मेरे 1,15,000 भी करेंगे, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो पहले मेरे रोहित भी पानी नहीं कर जाते, ज्यादा करने में नहीं, लेकिन मिनिमम यानी मेरे कहता हूँ आज आपके परिवार में ठीक क्यों ना हो और चाहे वो कितना भी कम करा दिखा किसी भी काम 4 महीने में 4, ये आपका बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन होगा। अगर जो ये नहीं कर रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको पता चल रहा है कि कोई ये कर सकता कोई ये नहीं कर, इसकी मदद करिए लोगों 4 महीने में 4, इसकी चर्चा करिए, बात करिए, मदद करिए, सपोर्ट करिए, याद दिलाइए, हिलाइए, डुलाइए, डिडोलिए, पिटोलिए, आप जो कर सकते करिए 4 महीने में 4, सिंपल है। और ये कब होगा, जब आप जड़ों में जाके काम करोगे, आपके टीम में कितने लोग सबका 5,000 का टारगेट पूरा करोगे तो ऊपर के लेवल आपके आप वैसे ही पूरे, ये काम आपके लिए बड़ा आसान, लेकिन इसका आपको बार बार रिमाइंडर आपको डालना पड़ेगा 4 महीने में 4, ये आपका बिजनेस पूरा बन जाएगा। मान लीजिए देखो आप यहाँ पे हैं और आपकी शुरुआत होती है, शुरुआत होने के बाद आप अपनी टीम में कुछ लोगों को ये आदत में लाते हैं, अगर आप कुछ लोगों को आदत में लाते हैं और इस तरह से यही परंपरा नीचे से नीचे चलती है, यही परंपरा नीचे से नीचे चलती है, तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चला है, यदि आपको ऐसा लगे अपने आप बढ़ना शुरू है, लोग नीचे से धक्का लगा रहे हो क्योंकि 4 लेवल तक करेगा कोई उसकी, अगर चौथे लेवल तक पहुंचेगा तो कोई उसके तीसरे लेवल तक पहुंचेगा, कोई उसके दूसरे लेवल तक पहुंचेगा, कोई उसके पहले लेवल तक पहुंचेगा, दूसरे वाले को तीसरे पे जाना है तो तीसरे वाला धक्का लगे चौथे पे जा रहा है, तो ऑटो पायलट हो गया। तो ये आपने आदत बना देनी है 4 सीढ़ियां चढ़ने की, बहुत लंबा चौड़ा चर्चा करने के लिए 1 साल में क्या होगा, 2 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, छोड़िए 1 महीने में बहुत बड़ा काम, देखो 1 महीने अपन को काम करना है, हर महीने हम लोग बड़ा सेलिब्रेशन भी करेंगे और पूरे महीने में ट्रेनिंग भी चली गया, लेकिन 4 महीने में 4 लेवल के बाद कुछ गजब का, मतलब जिसकी चर्चा में आज अभी आपके सामने नहीं कर रहा हूं, कुछ बहुत गजब का होगा, वो जानकारी आपको मिल जाएगी, कुछ बहुत कमाल का होगा, अविस्मरणीय होगा, आज के इतिहास में जो 20 साल में जो चीज नहीं देख पाए होंगे वो दिखाऊंगा 4 महीने बाद, अप्रैल महीने में वो नजर आपको दिखाऊंगा और थोड़ा ऐलान भी करूंगा, थोड़ा चैलेंज भी करूंगा, 4 महीने बाद जो लोग इस मोमेंट पे जो काम कर रहे हैं ये दुनिया की बड़ी दौड़ है, इसको जीत लेंगे, ये आप तक आपने टीम में डाल दी तो आपके पास जो परिणाम है वो अनबिलीवेबल, 5,000 का दुगना होता है, 10 का 20 का दुगना होता है, 20 का 40 का दुगना होता है, इसका मतलब दुगना दुगना दुगना, अरे आप कल्पना करो यार, अगर आपका बिजनेस अगर किसी का बिजनेस अगर 5 लाख का है, अगर 1 महीने में पूरी टीम में आने डाल दें तो 10 लाख होता है, 20 लाख होता है, 40 लाख होता है, आप सोच नहीं पाएंगे 4 महीने के अंदर आपके पास कितना बड़ा परिणाम है। सपोर्ट के लिए इसका तैयारी है, मतलब ऐसी तैयारी है जो आपको जनवरी फरवरी मार्च में मिलने वाली है, ये आज तक नहीं मिली, 22 नवंबर का तो केवल एक फुलझड़ी छोड़ी की कंपनी है, 22 नवंबर को फुलझड़ी छोड़ जाएंगे आपको सिर्फ ऐसा आ रही है, अभी जब मैं फटा गया तो छूटने वाले, आप तैयारी करिए, आपको तैयारी आपको करनी, कंपनी की तैयारी तो छोड़ दीजिए, 4 महीने 4 महीने की बात अगर आपने आदत डाल दी तो आपकी जो परिणाम है वो कमाल के होने वाले हैं। आप डायमंड लेवल के स्टेप पार करते हैं तो आपका पहला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह से सीढ़ियां चाहते हैं तो जिस महीने में डायमंड जाएंगे वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना पहले महीने का इंपॉर्टेंट है। आप जिस महीने में डायमंड जाएंगे 1 महीने के अंदर आपका जो चेक बढ़ेगा वो 12 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख महीने की ग्रोथ होगी, 1 महीने पता चला पिछले महीने का चेक कितना था 22 लाख का, इस महीने कितना रहा है 38 लाख का, मतलब आपके पास बैंक से भी फोन आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी फोन आएगा, आपके पड़ोसी का भी फोन आएगा, आपके मतलब आपके सबके फोन आएगा, भाई साहब ये डाका कहाँ डाल रहे हो आपने, वो डायमंड के महीने का चेक ऐसे बढ़ता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो ऐसे तभी बढ़ेगा जब आप पहले महीने 5,000 के बिजनेस को 10,000 करोगे या पहले महीने 5,000 करोगे ना, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। 1 महीना देरी करोगे तो बैंक वाले का फोन भी 1 महीना लेट ही आएगा, अगर 1 महीना देरी करोगे तो इनकम टैक्स वाले का फोन भी 1 महीना लेट ही आएगा, तो आपको ये महत्वपूर्ण उतने का उतना महत्वपूर्ण, एक एक आदमी को ये पूरी बात अच्छे से समझाइए कि आपको पहले महीने नए व्यक्ति को 5,000 का लेवल पूरा करना कितना जरूरी है। अब ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आपको कसम खानी पड़ेगी, रिवाज आपको आज कसम खानी है और पहली तारीख है तो पहली तारीख को आप जो भी कुछ खाओगे तो उसके परिणाम आपको पूरे महीने मिलेंगे ना, मतलब कसम खानी पड़ेगी। इस दुनिया में आज तक जितने बड़े चमत्कार हुए हैं वो अपने आप नहीं हुए हैं, है ना, आप सोच रहे हो कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप कभी नहीं हुआ कुछ भी। मैं कहता हूं कल कंपनी के 5,000 प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, 25,000 पिकअप सेंटर भी नहीं खुल जाएंगे, तब भी आपके बिजनेस में ग्रोथ तभी आएगी जब आप ग्रोथ के लिए कसम खा लोगे, है ना, आप अगली पायदान पे तभी पहुंचोगे जब आप पूरा ठान लोगे, और जब तक आप खुद कमिटमेंट में नहीं करोगे तो तब तक आपको अगला पायदान कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा, और कसम खा लोगे तो पक्का काम होगा, है ना, 100% होगा, और कितने माइंड में आपके जो चीज घुस गई, अगर एक बार आपके माइंड में अगर एक पिन घुस गई तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं आनी है।
अब मैं आपको यहाँ पे इस स्लाइड में एक मैंने आपको ना जो एक नोटों का बंडल भी दिखा रखा है ताकि मैं शायद आपको थोड़ा सा अच्छे से मोटिवेट कर पाऊं कि अगर आपने ग्रोथ का जो तरीका है जिसमें सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी बना रखी है, ऊपर नीचे करते करते अगर आप जो टाइम लगाते हो तो आपके पास इनकम का ग्राफ यहाँ पे पहुंचता है, और अगर आप थोड़ा सा ग्रोथ का पैरामीटर बदल देते हो, थोड़ा भी बदल देते हो, तो यहाँ पे मैंने 84 इसलिए लिखा कि जैसे अगर ये थोड़ा बदलोगे तो आपका जो ग्रोथ चार्ट है वो 84 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे आपके पास जो इनकम का ग्राफ है वो जो बदलेगा वो कहाँ तक पहुंचेगा, यानी आपकी इनकम यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि वो कई गुना ज्यादा हो जाती है, और थोड़ा बहुत नहीं फर्क पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर आप यहाँ पे जो 4 महीने में चार लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 4 महीना चार लेवल, ये सीढ़ी मैंने 4 महीने में चार लेवल की बनाई, जो 42 महीने का एक चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 42 महीने में आप लगभग मतलब आप ना आपकी जो इनकम है वो बहुत कमाल हो जाती है, बहुत कमाल हो सकती है। तो अब आपको ये तय करना है कि 4 महीने में 4 महीने चार लेवल पूरा करके वो टीम आदत डालनी है। आप शुरुआत करिए, हर व्यक्ति को डिस्प्ले वॉल के लिए तैयार करिए। अब आपके पास कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है कि 1500 करना, 2000 करना, 5000 करना, अब आप मर्जी जितने से खुलवाओ, बड़ी से बड़ी खुलवाओ, कोई टेंशन नहीं है कि इसका बेनिफिट अगले महीने मिलेगा नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं खत्म हो गया आपके ना, दिल खोल के खुलवाओ, हर आदमी को खुलवाओ। क्योंकि देखो डिस्प्ले वॉल आप बिजनेस एटीट्यूड में आते हो, बिना डिस्प्ले वॉल के आप केवल परचेजिंग के एटीट्यूड में आते हो, खरीदारी का एटीट्यूड क्या सोचता है, बचत हो जाए, दुकान का एटीट्यूड क्या होता है, बिजनेसमैन बन जाए। तो बचत करने के लिए आदमी 1000 2000 रुपए की बचत करने की सोचता है, 5000 की बचत करने की सोचता है, डिस्प्ले वॉल खोलते ही वो व्यापार करने की सोचता है, लखपति बनने की सोचता है, करोड़पति बनने की। हर व्यक्ति को डिस्प्ले वॉल समझाइए और डिस्प्ले वॉल खुलवाइए। अगर 4 महीने में चार लेवल की इस पॉलिसी पर अगर आप काम करते हो तो 1 साल में मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से 100%, अगर कोई नौकरी करता है 10-15 हजार 20 हजार रुपए की तो छूट जाएगी, 30-40-50 हजार की करता है तो भी छूट जाएगी, और 70-80 हजार लाख रुपए की करता हो तो भी छूट जाएगी, यानी सिर्फ 1 साल आरसीएम के इस तरीके अगर आपने काम कर लिया। ये बिजनेस पॉलिसी है, ये सिस्टम की पावर है, ये ताकत है। अगर आपने 1 साल इस तरह से काम कर लिया, सिर्फ 1 साल आपने काम कर लिया, तो जिस नौकरी को पाने में 97% लोग कभी कामयाबी नहीं होते, उनको नौकरी मिलती नहीं मनपसंद की, उससे ज्यादा बेहतर आपको सिर्फ 1 साल में जिंदगी मिल सकती है, सिर्फ 4 महीने में चार लेवल, ये आपको याद रखना है। सिर्फ 1.5 साल में जो आपकी ख्वाहिश होती है, आपकी, आपके परिवार की, आपके फैमिली में आपके माता पिता, आपकी पत्नी, भाई बहन, मौसी चाचा, बच्चों की जो भी ख्वाहिश है वो पूरी कर पाओगे आप ना, फिर आपके मन में कभी मलाल नहीं रहेगा कि मैं अपने परिवार को ये चीज दे नहीं पाया, आपकी जो भी चीजें होती है ना वो पूरी कर। आप किसी के घर पर जाओगे तो तोहफा ऐसा लेके जाओगे कि बंदा आपको वहां तक छोड़ने आएगा, है ना, क्योंकि अब आपके पास वो सब चीजें ऐसी आ चुकी है जिसमें अब आपका फ्यूचर सेफ हो गया, जहां पे आप अपने मनपसंद की चीजें खरीद पा रहे हो, जहां पे आप अपने मन और सुकून बिल्कुल दे पा रहे हो। 4 महीने में चार लेवल अगर आपने पूरे कर लिए और आदत अगर आपने टीम में डाल दी, और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इस जीवन में कोई आसान काम भी नहीं है, अगर 4 महीने में चार लेवल अगर आपने पूरे कर लिए तो मात्र 2.5 साल में आपके पास 30-40 लाख की कार आ सकती है ना, मात्र 2.5 साल में। अब इसके बाद मैं आपसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, 4 महीने में चार लेवल, बस इसकी कसम तो आपको खानी पड़ेगी, इसकी कसम तो आपको खानी पड़ेगी, और सिंपल काम है। लेकिन कब आप कामयाबी मिलेगी, जब इसके बारे में चर्चा बार बार करेंगे, जब याद दिलाएंगे, एक एक व्यक्ति को फॉलो करेंगे, एक एक व्यक्ति को इसकी पावर समझाएंगे, एक एक व्यक्ति को बार बार मीटिंगों में लाएंगे, एक एक, क्योंकि देखो ये डुप्लीकेबल तरीका है, तो ये सभी काम करेगा जब आप नीचे से नीचे बार बार हैमरिंग करते हो। टीवी में विज्ञापन आता है एक पेप्सी का या कोका कोला का या और बहुत सारे ब्रांड और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आता है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, फूड आइटम, आप देखते हो उसका विज्ञापन हजारों बार आ जाता है, 10-20-50 बार नहीं आता, हजारों बार आता है। आपको टीवी देखते ही आपको एकदम लगता है बस अब ये लाइन बोलने वाले हैं ना, हजारों बार क्यों आता है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में उसकी जो म्यूजिकल टोन है वो आपके दिमाग में जब तक टन 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 वो सेट नहीं हो जाती, तब तक वो बार 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 आपके दिमाग में उस विज्ञापन का हथौड़ा ठोकता रहता है। अरे कोई व्यक्ति जब आपको खराब करने के लिए इतनी बार आपके सामने अपना डायलॉग बोलता रहता है, भाषण सुनाता है, तब चुपचाप सुनते रहते हैं, और यहाँ पे आपको 4 महीने में चार लेवल की बात अगर हम नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। सुबह, दिन में, शाम को, रात को, लंच करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, कहीं मिलते हुए, जाते हुए, आप किसी की तबियत पूछने जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, फंक्शन के जा रहे हो, प्लान दिखाने जा रहे हो, आप जहां जा रहे हो 4 महीने में चार लेवल, बात शुरुआत करो तो इससे, बात खत्म करो तो इससे। सिंपल काम है लेकिन आदत डालनी पड़ेगी, है ना, काम तो सिंपल है लेकिन आदत आपको डालनी पड़ेगी। 3.5 साल आपकी जिंदगी ऐसे जाएगी और 3.5 साल यहाँ पे आपको काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 3.5 साल में आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां पे कहते हैं कि जीवन में लोग सपना भी नहीं देखते हैं। मतलब हिंदुस्तान की दुनिया में 99.99% लोग ऐसे सपने देखते ही नहीं है, पूरे नहीं होते वो तो, क्योंकि जब देखते नहीं तो पूरे कैसे होंगे, लेकिन देखते ही नहीं है, डर लगता है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, आप वो पूरा कर सकते हो, और इसके लिए आपको और अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 महीने में चार लेवल, है ना। अगर आपने ये चीज याद रख ली तो ये ऑटोमेटिक आपका ग्राफ आपको यहाँ पर ले जाएगा सर, और ये क्योंकि बहुत आसानी से पूरा होगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल मैं बात करने के बारे में बात करूं, हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारे पास लाजवाब प्रोडक्ट्स है, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास है। और ये मखाना आ गया साला, सोच के पागल हो जाता है आदमी कि क्या प्रोडक्ट हमने दिए, है ना, आदमी कभी कल्पना ही नहीं कर पाता, जो चीजें मार्केट में आपको दुकानों पर मिलती ही नहीं है। आदमी को आपके लिए बहुत पौष्टिक है वो, है ना, बहुत फाइबर से भरा हुआ है, बहुत पौष्टिक है खाना, चीज बहुत प्योरिटी होती है उसके अंदर, बहुत फायदा करता है, लेकिन मिलता ही नहीं है। और अगर कहीं मिलता है तो बड़े स्टोर पे मिलता है, मिलता तो इतना महंगा मिलता है कि आपको ऐसा लगेगा यार मैं इससे तो मतलब 1 किलो मखाना लूं, इससे तो 2 किलो बादाम ले लूं मैं, है ना, ऐसा हिसाब किताब। ऐसी चीजें कंपनी लेके आती है, आप सोचिए कल्पना करिए, आप कहवा आ गया, आप सोचिए कल्पना करिए, चावल कंपनी ने लॉन्च कर, मतलब और वो भी 3 वैरायटी, कंपनी को पता है कि आपको कब कौन सा चावल की जरूरत पड़ेगी, पूरा ध्यान रखा आपका इस बात का।
इससे कंपनी के इरादे पता चलते हैं, प्रोडक्ट्स की वो सीरीज के पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी आने वाले दिनों में, वो प्रोडक्ट्स आपके बीच में और आने वाले हैं। नॉलेज आपको लगातार प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है, इस महीने खूब मिलने वाली आपको, दिसंबर के महीने में कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स की मिल रही है, साथ में आपको जैन साहब और बहुत सारे आपके सीनियर अपलाइन साथी है, और मैं भी आपके बीच में रहूंगा। इस बार हम इस महीने में कुछ बहुत बेहतरीन ट्रेनिंगों पर काम कर रहे हैं जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा आपको बिजनेस को बढ़ाने में। साथ में आप अपने लेवल पर बहुत सारी मीटिंग कर रहे हो, वो बहुत फायदा पहुंचा रही टीम को। नेटवर्क बिजनेस में है, देखो इतनी बड़ी ग्रोथ की बात, ये जो चार्ट मैंने दिखाया, 4 महीने में 4 लेवल की बात, अगर मैं एक दुकानदार को बोलूंगा कुछ नहीं कर सकता वो, अगर वो कहते हैं 5 करोड़ रुपए की अगर वो पूंजी लगा के कोई व्यापार भी करा ना, 4 महीने में 4 लेवल करने का तरीका उसके पास कुछ है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए नेटवर्क जैसा बिजनेस चाहिए है ना, इतनी ग्रोथ हो और वो कुछ नहीं कर सकता, वो कितना ही पहुंच वाला आदमी हो, कितनी अप्रोच चलती हो, कितना कुछ भी कर ले, वो नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो। और दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई नेटवर्क हमारे पास है, प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारे पास है, ये पावर है, इसलिए ये पिक्चर आज आपके सामने है, 4 महीने में 4 लेवल। इसी के साथ मेरी बात खत्म होती है।